हेलो दोस्तों, मैं अनुरोध यादव निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि की बात करें दोस्तों तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। दोस्तों और यहां पर अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में 55 से 57% जो जनसंख्या है वह किसमें लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, और यह कृषि जो है हमारी जीडीपी में लगभग 17 से 18% योगदान देती है। कितना देती है तो 17 से 18% योगदान देती है। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है, तो कृषि का योगदान जीडीपी में 17 से 18% है। कितना है दोस्तों तो 17 से 18% है, प्रतिशत है। और भारत को दोस्तों 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या किया गया है या प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो आपसे यहां सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर भारत की संरचना और मृदा से संबंधित क्या होती विभिन्नताएं आज ऐसी रहती है कि यहां पर अनेक प्रकार के कृषि फसलों को क्या किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ की मृदा संरचना, जलवायु क्षेत्र और यह सब क्या होती विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्या होती है, कृषि की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में जो है वर्ष में तीन बार मुख्यतः तीन फसलें पैदा की जाती है। कौन कौन सी हैं? तो तीन फसलों की बात करें तो पहला हो गया खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है जायद की फसल। तो यह तीन फसलों की पैदावार की जाती है। दोस्तों आज हम लोग इसी कृषि क्षेत्र पर क्या करेंगे, कृषि क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, कृषि पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला हम लोग बात करते हैं कौन सी, रबी की फसल। किसकी बात करते हैं, रबी की फसल। तो रबी की फसल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, यह फसल कब बोई जाती है। तो इसकी बुआई होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में। बुआई कब होती है तो अक्टूबर नवंबर में होती है दोस्तों। और कटाई कब होती है तो कटाई होती है मार्च अप्रैल में। कब होती है तो मार्च अप्रैल में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपसे सवाल पूछा जाता है कि बुआई कब होती है तो अक्टूबर नवंबर में होती है, और कटाई कब होती है तो यह मार्च अप्रैल में होती है। दोस्तों इस जो रबी की फसल में है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के आधार पर रबी की फसल की खेती की जाती है। किसके आधार पर, तो सिंचाई के आधार पर रबी की फसल की खेती की जाती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसके अंतर्गत आती है कौन कौन सी, तो इसके अंतर्गत आती है गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, गन्ना इत्यादि। यह सब फसलें किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, तो यह सब फसलें आती हैं रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग किसकी, तो खरीफ की फसल की। ठीक है, खरीफ की फसल की, क्योंकि कभी कभी आपसे जो है यही एग्जाम्पल दे के पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल जो है खरीफ की है। तो इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, यह जो खरीफ की फसल है यह वर्षा काल की फसल है, यानी इस समय क्या होता है, वर्षा होता है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, इसकी बुआई कब होती है, इसकी बुआई होती है दोस्तों जून जुलाई में। कब होती है, जून जुलाई में होती है। और कटाई कब होती है, तो कटाई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। कब होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, किसकी, खरीफ की फसल की। और इसके एग्जाम्पल है कौन कौन सी फसलें हैं, तो इसकी फसलों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चावल है, ज्वार है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, मूंग है, उड़द है, उड़द है, रागी है, मक्का है, रागी है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, कपास है, मूंगफली है, और कौन सा है दोस्तों, तो सन है, पटसन है, तंबाकू है, तंबाकू है, और लोबिया है, लोबिया है। तो ध्यान रखिएगा, यह सब फसलें किसके अंतर्गत आती हैं, तो यह सब फसलें जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो कौन है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द, रागी, मक्का, कपास, मूंगफली, सन, पटसन, तंबाकू, लोबिया इत्यादि। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरी की, जायद की फसल। कौन सी है, जायद की फसल, ठीक है। जायद की फसल की बात करें तो दोस्तों यह गर्मी के महीनों में बोई जाती है और सिंचाई के माध्यम से इसकी पैदावार होती है। किसके माध्यम से, सिंचाई व्यवस्था के आधार पर, सिंचाई व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर जायद की फसल जो है कृषि की जाती है। जायद की फसल की कृषि किसके आधार पर की जाती है, तो सिंचाई व्यवस्था के आधार पर की जाती है। और दोस्तों इसकी बुआई कब होती है, तो इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में। कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है। और दोस्तों कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई होती है जून जुलाई में। कब होती है, तो जून जुलाई में होती है, या मई जून में, मई जून में इसकी कटाई कब होती है, मई जून में होती है। और दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है फसलें आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हरी सब्जियों की कृषि, इसकी हरी सब्जियों, खीरा हो गया, ककड़ी, खीरा ककड़ी, तरबूज खरबूज, तरबूज खरबूज। और दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर है मूंग है, उड़द है, मूंग, उड़द इत्यादि की कृषि की जाती है। इत्यादि की कृषि किसके अंतर्गत की जाती है, तो जायद फसल के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ मक्का, मक्का एक ऐसी कृषि है दोस्तों जिसकी पैदावार वर्ष भर की जा सकती है, अर्थात इसकी कृषि जो है क्या होती है कि वर्ष भर की जाती है, कृषि वर्ष भर की जाती है। किसकी, तो मक्का की। अगर हम बात करें दोस्तों तो दलहन की पैदावार, दलहन की पैदावार क्या होता है, दलहन की पैदावार वर्ष भर, दलहन की पैदावार वर्ष भर होती है। और क्यों, क्योंकि यह रबी के फसल में भी, खरीफ के फसल में भी, प्लस जायद के फसल में भी इसकी पैदावार होती है। जैसे बात करें दोस्तों यहाँ पर चना है, मटर है, यह भी क्या है, दलहन के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों जैसे उड़द है, यह भी दलहन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर मूंग और उड़द है, तो यह भी दलहन के अंतर्गत आएगा।
तो ध्यान रखिएगा, दलहन एक ऐसी फसल है जिसकी पैदावार, जिसकी जो उत्पादकता क्या है, जिसकी उत्पादकता वर्ष भर होती है, जिसकी उत्पादकता क्या होती है वर्ष भर, अर्थात रबी खरीफ जायद तीनों की जो है मौसम में होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब हम लोग कुछ फसलों के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, किस प्रकार की स्थिति में वह फसलें पैदा होती हैं, जिन्हें हम कृषि में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे पूछा जाता है कि गेहूं के लिए कितना तापमान चाहिए, किस प्रकार का मौसम चाहिए, तो चावल के लिए कितना चाहिए, तो इन सब चीजों से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर बात करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों बात करते हैं, आप लिए अब हम लोग बात करते हैं कि भारत की प्रमुख कृषि फसलों के विषय में, और उसमें पहला है आपका कौन सा, चावल। पहला कौन सा है, चावल। तो चावल की बात करते हैं दोस्तों कि जो है चावल के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, यह जो है क्या है, यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। क्या है, उष्णकटिबंधीय फसल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से सवाल बनेगा, चावल जो है किस जो है क्षेत्र की फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है दोस्तों, और यह जो है भारत के मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी कृषि की जाती है। तो भारत की मानसूनी जलवायु में, किस जलवायु में, मानसूनी जलवायु में अच्छी कृषि होती है, किसकी, तो चावल की, इसकी चावल की। ठीक है, और यह हमारे देश, चावल जो है हमारे देश के साथ साथ विश्व की, हमारे देश व विश्व की खाद्य फसल है। विश्व की क्या है, खाद्य फसल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो मुख्य खाद्यान्न या खाद्य फसल कौन सी है, चावल है। तो यहां खाद्यान्न ही लिख लेते हैं, क्या है, खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल है। अगर देखा जाए तो भारत भूमि, भारत की जो सकल बोई गई, अर्थात भारत में जितनी क्षेत्रों पर बुआई होती है, उसके 23% क्षेत्रफल पर किसकी बुआई होती है, तो 23% क्षेत्रफल पर चावल की या धान की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है दोस्तों, तो धान की खेती की जाती है। ठीक है, कितने भागों में, तो सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्रों में क्या होता है, एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत अगर बात करें, या तो क्षेत्रफल के अंतर्गत हो गया, अगर खाद्यान्नों के अंतर्गत बात करते हैं, तो 47% पर क्या होता है, धान की खेती होती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर कि विश्व में चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, तो विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहां होता है, तो चीन में होता है। विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां पर, तो चीन में। और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पे भारत है। तो पहले नंबर पे कौन सा है, चीन है, और दूसरे नंबर पे भारत है। और यह जो है चावल किसकी फसल है, तो यह खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है दोस्तों। ठीक है, किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। और इसके लिए मृदा कैसी चाहिए दोस्तों, तो मृदा इसके लिए चिकनी व उपजाऊ हो। कैसी मृदा चाहिए, चिकनी व उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी और उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। जलवायु कैसा होना चाहिए दोस्तों, यहां से सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो गर्म जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो गर्म जलवायु होनी चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य,
ठीक है के मध्य होनी चाहिए। और तापमान की अगर बात करें दोस्तों तो तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यह जलवायविक आवश्यकता है या जलवायविक दशा है जो आपसे पूछा जाता है कि माने चावल की कृषि के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए, तो चिकनी व उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो गर्म जलवायु होनी चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और तापमान कितना होना चाहिए, तो जो है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अब दूसरी फसल की ओर। और दूसरी जो फसल है वह आपकी गेहूं है। कौन सी है? गेहूं है। तो ध्यान दीजिएगा, गेहूं क्या है, यह रबी की फसल के अंतर्गत आता है। रबी की फसल के अंतर्गत कौन आता है, तो रबी की फसल के अंतर्गत आपका गेहूं आता है। और यह चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद क्या है, दूसरी यह बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और इसके उत्पादन में भारत चीन पहले नंबर पे कौन है, चीन है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो भारत है। पहले नंबर पे चीन है उत्पादन में, और दूसरे नंबर पे क्या है, भारत है। दोस्तों अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए जो भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है, तो भौगोलिक दशाएं कौन सी चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या चाहिए, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, सिंचाई व्यवस्था क्या होनी चाहिए, सिंचाई व्यवस्था। और तीसरा चीज क्या है, तीसरी चीज की बात करें तो यहां पर तापमान, यहां पर हम बात करेंगे क्या, तापमान, तापमान की बात करें तो तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा होनी चाहिए 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मृदा है, सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। किसके लिए, गेहूं के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यह भौगोलिक दशाएं थी किसके लिए, गेहूं के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं जौ की। जौ की यह भी क्या है, यह भी एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और यह किस में आती है, तो मोटे अनाजों में आती है। इसके अंतर्गत, तो मोटे अनाजों के अंतर्गत किसके फसल है, रबी की फसल है। किसके अंतर्गत फसल है, तो रबी की फसल है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, यह जो है शुष्क और बलुई मिट्टी में बोई जाती है। किस किस मृदा में, शुष्क व बलुई मृदा में बोई जाती है, शुष्क व बलुई मृदा में बोई जाती है। और दोस्तों शीत व नमी सहने की इसकी क्षमता है, क्या है, शीत व नमी सहन करने की क्षमता किसकी है, तो जौ की। शीत व नमी सहन की क्षमता किस किस फसल में है, तो शीत व नमी सहन की क्षमता जौ में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। इसके लिए उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा, तो उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। और जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। और दोस्तों क्या जरूरत है, तो और जरूरत है 15 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, 15 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह जो है भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए किस कृति के लिए, तो जौ के लिए। किसके लिए, जौ के लिए। चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं ज्वार। ज्वार, ज्वार की बात करें तो दोस्तों यह भी क्या है, मोटा अनाज है। क्या है, मोटा अनाज है। यह भी ज्वार जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आता है।
मोटे अनाज के अंतर्गत आता है दोस्तों। और बात करते हैं कि जो है इसमें क्या होता है कि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से इसकी कृषि की जाती है। क्या है? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से इसकी कृषि की जाती है। किसके माध्यम से? सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंचाई के द्वारा कृषि ज्वार की भी हो रही है और सिंचाई द्वारा जो है किसकी कृषि हो रही है? गेहूं के द्वारा, गेहूं की भी कृषि हो रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें भौगोलिक दशाओं की, भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत इसके लिए क्या चाहिए? बलुई मिट्टी चाहिए। कैसी? बलुई मृदा। और दोस्तों अगर हम बात करें वर्षा की, तो 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर वर्षा और 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीग्रेड तापमान 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। किसके लिए? तो ज्वार के लिए। यह भौगोलिक दशाएं किसके लिए? तो ज्वार के लिए बलुई मृदा होनी चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक या तापमान होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं मक्का की बात करें दोस्तों, तो यह अपेक्षाकृत शुष्क भागों में इसकी खेती की जाती है। कहां पर? जहां पर शुष्क, जहां पर वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में कृषि किसकी की जाती है? तो ऐसे क्षेत्रों में कृषि मक्का की जाती है। और मक्का एक ऐसी कृषि है कि जो हमारे देश में रबी खरीफ व जायद तीनों फसलों में इसकी कृषि क्या होती है? की जाती है दोस्तों। इसकी कृषि क्या होती है? की जाती है। और इसके लिए भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता क्या होती है? तो इसके लिए भौगोलिक दशाओं के लिए है कि गर्मी का लंबा मौसम चाहिए। क्या? गर्मी का लंबा मौसम चाहिए। खुला आकाश। और क्या चाहिए दोस्तों? खुला आकाश और जो है अच्छी वर्षा। क्या होता है? अच्छी वर्षा। और तापमान की बात करें दोस्तों, तो तापमान कितना चाहिए? तो तापमान जो है 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और जो वर्षा है, वह वर्षा की बात करें तो वर्षा दोस्तों होनी चाहिए कितनी? तो 50 से 80 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में क्या होता है? मक्का की खेती अच्छी होती है दोस्तों। तो यहां पर जो मैं भौगोलिक दशाओं की चर्चा कर रहा हूं, तो खासकर अगर बात किया जाए तो यहां भौगोलिक दशाओं से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो है मक्का के लिए कितना तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा होना चाहिए, गर्मी का मौसम कितना होना चाहिए। तो इन सब चीजों से जो है क्या होता है कि सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दाल के विषय में। दालें किसकी बात करते हैं? दालों की बात करते हैं। और यह जो है दालें दोस्तों, यह प्रोटीन का प्रमुख साधन है। प्रोटीन की क्या है? प्रमुख साधन है। अर्थात जो लोग शाकाहारी हैं दोस्तों, उनके लिए प्रोटीन का एकमात्र जो स्रोत है वह क्या है? दालें हैं। और दालों की बात जैसे मैंने किया था इसके पहले, आपको बताया कि रबी की फसल, खरीफ की फसल व जायद की फसल तीनों में जो है दालों की पैदावार होती है दोस्तों। और इसके अंतर्गत की बात करें तो अरहर चना मटर मसूर उड़द मूंग यह सब क्या है? यह सब दालें हैं। यह सब क्या है दोस्तों? तो यह सब दालें हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? तो यह आती है जो है आपके दालों के अंतर्गत आती हैं। और यह समय समय पर बोई जाती हैं, यानी यह दलहनी फसलें जो रबी खरीफ और जायद तीनों में बोई जाती हैं।
और देखा जाए तो जबकि और कौन सी है, लोबिया, लोबिया भी किसके अंतर्गत आती है, तो दाल के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, लोबिया आपसे पूछा जाता है कि लोबिया किस प्रकार की फसल है, तो लोबिया एक दलहनी फसल है, ठीक है, जो खरीफ के समय में इसकी कृषि की जाती है। हमारे देश में दलहनी फसलों को जो है अधिकांशतः अनुपजाऊ मृदा में बोया जाता है या वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में। तो कहां पर जो दलहनी फसलों की कृषि होती है वह अनुपजाऊ मृदा वह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। कहां पर अनुपजाऊ मृदा व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि अगर दालों के उत्पादन की बात करें तो दालों के उत्पादन में और उपभोग में भारत क्या है, दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान है। तो भारत दालों के उत्पादन और उपभोग में क्या है, उत्पादन में भी प्रथम स्थान है और उपभोग में भी क्या है, प्रथम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है उत्पादन और उपभोग दोनों में प्रथम स्थान है, लेकिन दोस्तों दाल भारत जो है दाल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, बल्कि यह क्या करता है, आयात करता है। क्या है, आयातक देश है दालों के मामले में भारत, क्या है, आयातक देश है। चलिए दोस्तों बात करते हैं तिलहन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, तिलहन की। तिलहन जो है खरीफ और रबी दोनों के मौसम में बोई जाने वाली फसल है, ठीक है। तो यह तिलहन जो है रबी के मौसम में भी और खरीफ के मौसम में भी बोई जाने वाली क्या है, फसल है। मूंगफली जो है मूंगफली की कृषि खरीफ के समय में की जाती है, जबकि सरसों की कृषि जो है कब, रबी की फसल में की जाती है। और दोस्तों इसके लिए भी क्या होता है, कम उपजाऊ मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्र में तिलहन की कृषि की जाती है। अनुपजाऊ मृदा व कम वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि किसकी की जाती है, तो तिलहन की जाती है। किसकी की जाती है, तिलहन की जाती है। चलिए दोस्तों अगली फसल पर आते हैं। अगली फसल है गन्ना। कौन सी है, गन्ना, ठीक है। अब गन्ना की बात करें तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय फसल है। उपोष्णकटिबंधीय फसल है। तो ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रकार की, माने उपोष्णकटिबंधीय फसल है। और यह गन्ना के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए तापमान होना चाहिए 20 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के मध्य। तापमान कैसा होना चाहिए, औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर औसत वर्षा की बात करें तो कितना होना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दोस्तों गन्ने की फसल के तैयार होने में क्या होता है, एक वर्ष का समय लग जाता है। कितना लग जाता है, एक वर्ष का समय लग जाता है। और अगर बात करें भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है, तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर भारत में पैदा होता है। अगर विश्व की बात करें दोस्तों तो विश्व में वर्तमान संदर्भ में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार होती है तो ब्राजील में। कहाँ पर, ब्राजील में। अर्थात विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है, ठीक है। जबकि चीनी उत्पादन में कौन सा देश है, तो भारत है। आखिर ब्राजील क्यों नहीं है, तो ब्राजील जो है गन्ने के माध्यम से क्या कर रहा है, बायोडीजल बना रहा है और इस कारण से वहां पर चीनी का उत्पादन नहीं, लेकिन भारत में क्या है कि चीनी का उत्पादन अधिक होता है। अगर बात करें चीनी के उत्पादन की, तो जो है भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो दोस्तों भारत में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक
उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को जो है बाउल ऑफ सुगर केन, बाउल ऑफ जो है सुगर के नाम से जाना जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है किसे? उत्तर प्रदेश को, भारत में। जबकि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। और क्यूबा में सबसे अधिक जो है चीनी किससे बनाई जाती है? तो चुकंदर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तो चुकंदर से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगली फसल की ओर। अगली फसल है चाय की। किसकी है? चाय की। अब बात करते हैं दोस्तों कि चाय की शुरुआत कहां से होती है। तो चाय की शुरुआत होती है 1826 में। कब होती है? 1826 ईस्वी में होती है। और यह अंग्रेजों द्वारा भारत में चाय का उत्पादन परीक्षण के तौर पर शुरू हुआ। कब? 1826 में। अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ कि भारत में चाय का परीक्षण के तौर पर उत्पादन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो 1826 में शुरू हुआ। और व्यापारिक स्तर पर इसका पहली बार क्या किया गया? उत्पादन किया गया। कब? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में यह चाय जो है भारत की मुख्य पेय फसल है। मुख्य पेय फसल है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा कि भारत की जो है मुख्य पेय फसल कौन सी है, तो चाय है। कौन सी है? चाय है। भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं तो भौगोलिक दशाओं में 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसे? चाय की कृषि के लिए। और तापमान की बात करें तो 20 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक क्या होता चाहिए? तापमान चाहिए। किसे? तापमान चाहिए चाय को। और क्या होना चाहिए? और दोस्तों इसके लिए जो है अम्लीय हरी गंधक वाली मिट्टी। क्या है? हरी गंधक वाली मिट्टी, हरी गंधक वाली मृदा, या इसी को हम कहेंगे अम्लीय मृदा। कैसी अम्लीय मृदा? आपसे सवाल पूछा गया है कि जो है चाय के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, तो अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है दोस्तों। और यह एक श्रम प्रधान कृषि है, इसमें श्रमिक लोगों की क्या होती है? अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी मजदूरों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? चाय के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली फसल पर। और अगली है कहवा। कहवा अगर देखा जाए दोस्तों, कहवा यह भी पेय फसल है। तो इसका उत्पादन भारत में विश्व का लगभग मात्र 4% होता है। कितना होता है? 4% होता है। लेकिन इसका यह जो है स्वाद में अच्छा होने के कारण इसकी मांग जो विदेशों में अधिक होती है। भारत में जो कहवा पैदा किया जाता है वह स्वाद में अच्छा होने के कारण इसकी मांग क्या होती है? विदेशों में सबसे अधिक होती है। और दोस्तों बात करें कि इसके लिए भौगोलिक दशाओं की कौन सी आवश्यकता होगी, तो भौगोलिक दशाओं की बात करें तो 15 से लेकर 18 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या आवश्यकता है? औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता है। और बात करें दोस्तों तो वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर। कितना? 150 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर इसका धरातल की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र या ढाल युक्त क्षेत्र में जो कहवा का उत्पादन क्या होता है? अधिक उचित होता है या अधिक होता है। या लावा निर्मित लाल मिट्टी, लाल लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम कि यहाँ पर कौन सा जो है सबसे अधिक कहवा पैदा किया जाता है। तो अरेबिका कहवा देश के जो है कुल क्षेत्रफल में लगभग 60% पैदा किया जाता है। तो सबसे अधिक कौन सा कहवा? तो अरेबिका कहवा जो भारत में सबसे अधिक पैदा किया जाता है। यह जो है सबसे अधिक कहवा का उत्पादन अगर भारत में पूछा जाए तो कर्नाटक में होता है। कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। दो प्रकार का, एक अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा।
कौन सा है? दूसरा है रोबस्टा। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन होता है? तो अरेबिका का होता है, इसलिए अरेबिका की खेती अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कपास की। किसकी? कपास की। कपास की बात करें दोस्तों तो कपास जो है यह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, कहां पर? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में जो है, किस मृदा में? काली मृदा में इसकी खेती की जाती है। किस मृदा में? काली मृदा में खेती की जाती है, जहां पर इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इसके लिए, कपास के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड औसत तापमान चाहिए। कितना? 20 से 30 सेंटीग्रेड औसत तापमान, अर्थात उच्च तापमान होना चाहिए। और इसके लिए 200 दिन क्या होना चाहिए? पाला व ओला रहित होना चाहिए, पाला व ओला रहित होना चाहिए, ठीक है। कितना दिन दोस्तों? 200 दिन। यही आपसे सवाल भी कई बार पूछा गया है कि किसके लिए पाला और ओला रहित दिन चाहिए, तो किसके लिए? कपास के लिए। और इसके लिए स्वच्छ आकाश स्वच्छ आकाश व तेज धूप, स्वच्छ आकाश व तेज धूप की आवश्यकता होती है। और वार्षिक वर्षा की बात करें तो दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी? तो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो है काली दोमट मिट्टी, काली दोमट मृदा या काली कपास मृदा में कृषि अधिक की जाती है। किसकी? जो है कपास की। और इसके लिए दोस्तों सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। किसकी? सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें मजदूर अधिक लगते हैं। किस क्या हुआ दोस्तों? इसमें सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पर मजदूर अधिक लगते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब जूट की, ठीक है। किसकी? जूट की, ठीक है। तो यहां पर बात करें, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इससे बोरे, रस्सियां, कालीन इत्यादि बनाए जाते हैं। और इसकी कृषि दोस्तों बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, कितना? 25 से 35 डिग्री औसत उच्च तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? वर्षा, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए जो है दोमट मिट्टी और नदी घाटियों का क्षेत्र होना चाहिए। और 71% क्षेत्रफल, 71% जितना क्षेत्रफल में पैदा किया जाता है जो, उसके 71% क्षेत्रफल में अकेले पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल में कहां, तो हुगली नदी क्षेत्र में। कहां पर? हुगली नदी क्षेत्र में। कहां पर? हुगली नदी क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं रबड़ की। किसकी बात करते हैं? रबड़ की। तो ध्यान दीजिएगा, रबड़ भी क्या है? यह जो है रबड़ की किसी के लिए उत्तम क्षेत्र जो है वह 25 डिग्री से सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उच्च तापमान, ठीक है, 25 से 35 डिग्री का उच्च तापमान वाला क्षेत्र में जो रबड़ की कृषि अच्छी की जाती है। और अत्यधिक वर्षा इसके लिए आवश्यक है। क्या है दोस्तों? अत्यधिक वर्षा इसके लिए आवश्यक है। और मृदा कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए मृदा लैटराइट चिकनी, लैटराइट मृदा चिकनी मृदा, कौन सी? लैटराइट मृदा चिकनी मृदा। और इसमें भी अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अगर भारत में बात करें दोस्तों तो भारत में रबड़ की कृषि सबसे अधिक कहां पर होती है? तो केरल में होती है,
कहां पर? केरल में। और अगर क्षेत्र पूछा जाए तो कहां पर? दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में। और खासकर क्षेत्र विशेष में तो पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी घाट क्षेत्र में। कहां पर? पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो है रबड़ की कृषि अधिक होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग कृषि से संबंधित क्रांतियों की। ठीक है, यहां तक बात करते हैं किससे? कृषि से संबंधित क्रांतियों की। तो कृषि में कौन कौन सी क्रांति कब हुई, किससे संबंधित रही और इसके जो है जनक कौन रहे, प्रणेता कौन रहे, तो इन सब चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्रांतियों के विषय में बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली क्रांति, हरित क्रांति। कौन सी है? हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जो शब्द है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गार्ड ने दिया। किसने दिया? विलियम गार्ड ने दिया था। कौन सा शब्द? हरित क्रांति शब्द। और हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और दोस्तों अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में इसके जनक कौन हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई दोस्तों? तो हरित क्रांति की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में जो है 1975-76 के दशक, 66-67 के दशक में, 1966-67 के दशक में क्या हुआ? हरित क्रांति लाई गई ताकि भारत क्या हो, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। और दोस्तों कृषि जो हरित क्रांति है, इसका उद्देश्य था अधिकतम सिंचाई, उत्तम बीज और अधिकतम जो है रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग। ठीक है, तो इसका जो है, इसका सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव पड़ा? तो सबसे अधिक गेहूं पर प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक गेहूं में बढ़ोतरी हुई और कुछ हद तक चावल में भी। और दोस्तों यह हरित क्रांति कहां लागू की गई? तो हरित क्रांति लागू की गई पंजाब, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और श्वेत क्रांति की जन्मस्थली कहां है? तो आनंद गुजरात है। कहां है? तो आनंद गुजरात है। ठीक है, कहां पर है? तो आनंद गुजरात है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो दोस्तों श्वेत क्रांति क्यों लाई गई थी? श्वेत क्रांति लाई गई थी, इसका उद्देश्य था कि भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और वर्तमान समय में बात करें तो भारत दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो प्रथम स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, अगली क्रांति है दोस्तों पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्रांति की विषय में बात करें तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। और इसके जन्म माने इसके फादर कौन है, जनक कौन है? तो डॉक्टर सैम पित्रोदा है। कौन है? डॉक्टर सैम पित्रोदा है पीली क्रांति के जनक। और दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान भारत का सर्वाधिक तिलहन उत्पादन वाला राज्य है। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्रांति की ओर, गोल क्रांति। ठीक है, राउंड रिवॉल्यूशन,
तो गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन से। और वर्तमान समय में भारत में आलू सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला है दोस्तों नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। नीली क्रांति की बात करें तो यह है मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से। इससे मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से। अगर आपसे ब्लू रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो मछली उत्पादन से। और वर्तमान समय में मछली उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगली है लाल रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन व टमाटर उत्पादन से। इससे है तो लाल उत्पादन या टमाटर उत्पादन से। अगली है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध है रासायनिक खाद उत्पादन से। इससे रासायनिक खाद उत्पादन से। अगली क्रांति है दोस्तों कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन। और यह है खनिज तेल से। इसका संबंध किससे है? खनिज तेल से। ठीक है। अगली क्रांति है दोस्तों रजत क्रांति। कौन सी है? रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। इससे है अंडा उत्पादन से। और वर्तमान समय में भारत में अंडे की टोकरी किसे बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। किसे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। अगली है सुनहरी क्रांति। क्या है? सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से है। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है दोस्तों समग्र क्रांतियों के विकास से। समग्र क्रांतियों के विकास से। ठीक है। अगला है जो है आपकी संपर्क क्रांति। कौन है? संपर्क क्रांति। तो यह जो संपर्क क्रांति है यह विश्व स्तरीय सड़क के निर्माण से है। किससे है? विश्व स्तरीय सड़क के निर्माण से है। तो दोस्तों कृषि में, भारतीय कृषि में आज बस इतना ही दोस्तों। शेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।